हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हम लोगों के टाउन एरिया में होने वाला एक प्रोग्राम में। एक्चुअली ये प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मैंने भी हिस्सा लिया था। असम का एक बड़ा न्यूज़ चैनल, उसका नाम है DY365 ढेकियाजुली में आया था, हम लोग के टाउन एरिया में आया था। और इस टाउन के एरिया के बारे में, इस टाउन के हिस्ट्री के बारे में एक प्रोग्राम किया था, टीवी प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में मैं भी था। एक्चुअली ये वीडियो आज का नहीं है, ये वीडियो कल का है, कल का जो फुटेज है वो फुटेज में आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं ब्लॉग की दुनिया में। तो मैं आ गया अपने टाउन एरिया में, तो आप लोगों को मेरा वॉइस ही सुनाई देगा, मेरा फेस नहीं दिखाई देगा, मतलब आज ये वीडियो वॉइस ओवर ही जाएगा। तो देखिए, ये रहा हो स्कूल जिसमें DY न्यूज़ प्रोग्राम शुरू होगा। ये देखिए, खाली खाली सीट है, अभी तक तो शुरू नहीं हुआ, मैं बहुत जल्दी आ गया। कोई बात नहीं है, हम ये प्रोग्राम देख के ही जाएगा, पूरा आप लोगों को दिखा कर ही जाएगा। तो आ ही गया मैडम, ये DY365 का ज्येष्ठ सांबादिक रिपोर्टर एंकर स्निग्धा शिखा बड़ा। तो शुरू हो ही गया प्रोग्राम। ব্যক্তিসকল আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান জাতীয় সংগঠন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে খবৰ কৰি এটা দাবী তুলি আহিছিলে যে DY365 का इस प्रोग्राम का नाम है रॉन्ग बिसारी, रॉन्ग बिसारी। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ढेकियाजुली को डा बार्टियर टाउन भी बोला जाता है। बार्टियर टाउन यानी कि ये नगर जो है, ये जो एरिया है, ये जो ढेकियाजुली टाउन है, इस टाउन को शहीदों की नगरी भी बोला जाता है। इसी की बेस पर DY365 ने आज का जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ढेकियाजुली को शहीदों की नगरी यानी कि द मार्टियर टाउन भी बोला जाता है, तो इस नगरी में शहीदों को सम्मान प्रदर्शन करते हुए सभी मार्टियर्स का एक मेमोरी प्लेस भी है, तो उसी प्लेस को मैं अब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा समय के लिए प्रोग्राम का बाहर जाते हैं और वो ग्रेट मेमोरी प्लेस हम लोग देखते हैं। असम में गामुसा और जापी से सम्मान दिया जाता है। Thank you.
वीडियोस की लास्ट सीन पर टीशर्ट और स्ट्रेट का एक सुंदर सीन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी। ये रानी बाइडो टीचर और भास्कर डेका स्टूडेंट, डीवाई के लोकल रिपोर्टर भास्कर डेका ने इसी स्कूल में बचपन में पढ़ाई की थी।